हमारा सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा, हमारा सारा जल खराब हो गया। देखिए वहाँ इतना में एक मात्रा में यहाँ पर कल है, कुछ भी नहीं बचा। हम लड़की के लिए बना बना के 1.5 लाख देख लीजिए, है इस बच्ची का क्या कसूर जिसके शादी के लिए इतना सामान संजोजा गया था, और आज इस बच्ची का क्या कसूर है जो आज इस तरीके की सजा इस बच्ची को मिली है। जिंदगी भर कुमार रहे तक सरकार हमसे वोट नहीं लेगा, वोट लेगा कि नहीं? बिल्कुल लेगा, है? बिल्कुल लेगा। तो बताइए से कहा, जब वोट लेगा तो हमको सहायता मिलना चाहिए कि ना? परेशानी आपको है, सो पहले बताइए। परेशानी है जो जो भी छोटा या बड़ा सामान रखे हुए थे बहुत आशा से, उस समय में अग्नि लग गया, जर गया, हमको कुछ इंदिरा आवास चाहिए, घर के बदले घर चाहिए, बदले घर चाहिए, या पैसा देता चाहे बना देता, दो में एगो कर। आश्वासन तो अभी मिला है, अभी चिराग पासवान आए हैं, चिराग सो है, ठीक है, चिराग पासवान तो अभी आए है ना? आए है, अभी शौचालय आए है, शौचालय चाहिए। चिराग पासवान क्या कहे हैं, सुने हैं? उनसे अभी हम लोग का भेंट नहीं है, भेंट हुआ है जैसे देखे हैं, बाकी उनसे हमारा से बात नहीं है, ठीक है, बाकी रह गया जो हमको चिराग पासवान से इतने विनती है जो हम लोग का घर दीजिए। घर के लिए तो कहे हैं कि जितने लोगों का घर जला है सबका लिस्ट बना है, सब लोगों को घर मिलेगा। घर सारा लोग के चाहिए, देखिए भैया थोड़ा बहुत सगरो पंच के एक बगल से साफ है, कोई भी के तखर नहीं है, हमको लदान गई बड़ी वाली बेटी है, इतना से इतना की हम तीन भाई है, ठीक है, हम माजिल है, वहाँ बड़ा वाला है, छोटा वाला के दिन उतरा हुआ है, उसको 6 महीना शादी का है, उसको बीवी नहीं है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, बताइए कुछ क्या कुछ तो चाहिए इंसाफ। अरे पूरा नहीं मिलेगा, आधा तो चाहिए, बोलिए। उसको मम्मी है, विकलांग है, पिताजी है, हालत में ये लोग रहने को मजबूर है। आखिर इन बच्चों का क्या कसूर जो आज इस हालत में बिछावन पे सो रहे हैं, किसी भी चीज का डर है, हो सकता है कि कोई किसी भी कोई सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, कुछ भी आ जाए, और क्या हो सकता है जरा समझ लीजिए। आज गरीब किस हालत में जी रहा है और किस तरीके से है, लोग आते हैं वोट की राजनीति करते हैं चले जाते हैं, लेकिन मदद के नाम पे ठेंगा दिखा दिया जाता है इन लोगों को। सरकारी मदद क्या मिला है? 1000 रुपया मिला है, 12000 में हम क्या चीज करें? क्या मिला है सरकारी मदद? सरकारी मदद अब हम इतना नहीं जानते हैं, सिर्फ हमको 12000 का चेक मिला, 12000 का चेक मिला है। हाँ, जो जनता भाई जिसका मर्जी जिसका इच्छा होता है तो आटा चावल मीठा चिवड़ा यही लोग थोड़ा थोड़ा मिलता है, देखिए देख लीजिए, ये है बिहार की सच्चाई, और यह है बिहार की जनता, और यह है बिहार के लोग की स्थिति, देख लीजिए, ये है देख लीजिए, यही है, ये स्थिति है आज, आज जो है ये स्थिति देख लीजिए, देख लीजिए, यही लोग खाने को मजबूर है, देख लीजिए हम दिखा रहे हैं, गोधरिया करना पड़ता है। क्या कहना चाह रहे हैं, अब क्या कहना चाह रहे हैं? चिराग पासवान आए हैं और आप लोगों को आश्वासन दिए हैं कि घर मिलेगा, पानी मिलेगी, शौचालय मिलेगा, और अब क्या चाहिए? चाहिए ये है जे हम लोग का शादी शुदा है तो जो भी सकेगा सो भी मिलेगा, एगो कुमार है उसका 6 महीना शादी के तो उसका तो कुछ चाहिए, बुलाओ ना। देख लीजिए, यही आपको सच्चाई दिखा रहे हैं और यही स्थिति दिखा रहे हैं। खैर, लोग आते हैं अपनी अपनी राजनीति की रोटी जो है वो सेकते हैं और चले जाते हैं। क्या इन लोगों को हम अभी भी फिर से दोहराएंगे कि क्या इन लोगों को जो बेघर हैं उनको घर मिल पाएगा? क्या ये लोग फिर से उस छत के मकान में रह पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह बहुत बड़ा चीज है जो एक गरीब एक एक रुपया जोड़ कर अपना घर बनाता है और उस घर में सामान को संजोगता है, और वह जो है एक क्षण में उनसे दूर चला जाता है। जरा समझ लीजिए कि वैसे गरीब पर क्या बीत रही होगी, वैसे गरीब पर क्या बीत रहा होगा, ये समझने की बात है। 5 महीने पहले सर हम 1.5 लाख के गहना घर में रख के गए हैं, 5 महीना पहले हमारा सारा जल गया, कुछ भी नहीं बचा, हमारा सारा जल खराब हो गया। देखिए वहाँ इतना में एक मात्रा में यहाँ पर कल है, कुछ भी नहीं बचा, हम लड़की के लिए बना बना के 1.5 लाख देख लीजिए, ये अपनी बेटी के लिए गहना जो है वो बना के रखे थे कि अपनी बेटी का जो है वो शादी जो है वो धूमधाम से करेंगे, लेकिन उनके आज सोच पे, आज उनके सपना पे आज कितना बड़ा
जरा देख लीजिए, ये सारा सामान जो है अपनी बेटी के लिए रखे थे, बेटी के लिए रखे थे, सब बाहर में रखे थे, सब के लिए। इतना बड़ा हमारा लड़की, उसका लिए 1.5 लाख के गहना बना के रखे, कुछ भी हमारा नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सारा जल कुल सरकार से निवेदन हम लोग करते है कि जो उनको शक्ति है हम लोग के पूर्ति कर दे बस। देख लीजिए, सरकार से बड़ा सवाल है, क्या इस गरीब के आंसू को पोंछ पाएगी सरकार, क्या इस गरीब के आंसू की कीमत दे पाएगी सरकार। आज इस बच्चे का आज इस बच्चे का क्या कसूर जो इस बच्चे का घर छिन गया, आज इसमें रहना पड़ रहा है, आज इसमें गुजारा करना पड़ रहा है, आज आसमान के नीचे गुजर बसर करना पड़ रहा है, आखिर इस बच्चे का क्या कसूर है जो क्या भी नहीं सर निकाल सके। हमारा इस तरह 1.5 लाख के गहना रखा था, कुछ भी नहीं निकाल सके, कुछ भी नहीं निकाल सके, कुछ भी नहीं, सारा जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा, इतना इतना छोटा छोटा सारा गहना हो गया, कुछ भी नहीं बचा, हमारा सारा जल के थे। 5 महीना पहले हम रख के छठ पूजा में गए थे, रख के घर में सारा हमारा नैहर गए थे, सारा जल गया, नैहर गए थे तो आग लगाए उस दिन, नैहर गया था, आप नैहर में थे, हाँ सारा जल गया, कुछ भी नहीं निकालने सके। देख लीजिए, बहुत भयावह स्थिति है, आज गरीब किस हालत में जी रहा है, यह देख लीजिए, आज यह बच्ची है, इस बच्ची का क्या कसूर, जिसके शादी के लिए इतना सामान संजोजा गया था, और आज इस बच्ची का क्या कसूर है जो आज इस तरीके की सजा इस बच्ची को मिली है। अब क्या यह सरकार जो है इस बच्ची को न्याय देगी, क्या इस माँ का आंसू पोंछ पाएगी, क्या, बहुत बड़ा बहुत सवाल है, बहुत सवाल छोड़े जा रहे हैं। आप लोग देखिए, और हम आप लोगों से यही गुहार करेंगे, जो लोग भी अगर देख रहे हैं, अगर आप लोग चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे परिवार की मदद करना, तो बिल्कुल कीजिए, और आइए, लालगंज के बगल में है, यह कौन सा गांव है, लखनसरा बिशुनपुर, लखनसरा में 100 परिवार, पूरा 100 परिवार का बस्ती जो है वो पूरी तरीके से जल के खाक हो गया है, जल के राख हो गया है, और आज यह गरीब परिवार जो है वो दर दर भटकने को मजबूर है, और आज इसका सहारा कोई नहीं बन रहा है। आप विकलांग है, हमको विकलांग है, हम क्या करेंगे यहाँ से, गने दिन हमको दो गो लड़का नहीं देख रहा है, सारे कितने दिन तक ले जिएंगे, मेरा उम्र 25 साल हो गया, मेरा उम्र 25 साल हो गया, मेरा इतना इतना छोटा सा जो 8-9 साल का है उसका जो भी अति 12,000 मिल गया, हमको नहीं मिला, इस पे आप बताइए क्या नहीं मिला, बताइए ना आप क्या नहीं मिला, कुछ भी नहीं, चूड़ा से लेकर कुछ खाने के लिए कुछ, रात भी गए थे तो इतना चावल बचा था, दो आदमी पटेदार में दो आदमी बांट के अपना ले लिए, से हाँ थोड़ा थोड़ा खा के सो जाएगा, मेरा कुछ भी भोजन नहीं मिला, के लिए ये नहीं खाएगा, हम क्या खाएंगे, 6 महीना के बाद बीवी बचाएगा तो कहाँ जाएगा, मैं भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है क्या, ठीक है, एक मिनट, हम अगर जिंदगी भर कुमार है तो क्या सरकार हमसे वोट नहीं लेगा, वोट लेगा कि नहीं, बिल्कुल लेगा, बिल्कुल लेगा, तो बताइए से कहा, जब वोट लेगा तो हमको सहायता मिलना चाहिए कि ना। देख लीजिए, बहुत बड़ा सवाल है कि युवा का, जरा समझिएगा, क्योंकि अगर हम शादी नहीं करते हैं तो सरकार कह दे कि हम वोट नहीं गिरा सकते हैं, वोट नहीं आपको दे सकते हैं, तो हमें कुछ नहीं चाहिए क्या, हाँ यही बात है ना, वोट अगर दीजिएगा तो अधिकार भी चाहिए, अधिकार चाहिए ना, अभी 25 साल का हो गया है, मेरा उम्र 25 साल हो गया है, मेरा 2024 का जन्म है, अभी 24 चला है, 24 साल का उम्र है, अभी अधिकार मेरा चाहिए कि ना, बिल्कुल चाहिए, सरकार बोला है, बोलू कुमार इसी सवाल पे हम पूछ रहे हैं, अभी इसी सवाल पे हम पूछ रहे हैं, क्या अगर आपको कुमार में नाम लिखा गया तो क्या आप कुमार है, क्या अभी नीतीश कुमार उसका जो मुख्यमंत्री है, क्या वो कुमार लिखाते, नीतीश कुमार कुमार है, बोलिए आप, शादी का दिन उतरा हुआ है, 6 महीना में इसको बीवी आएगा, हम लोग पट्टी पर्दा रहे, हमको मिलेगा इसको क्या, वोटर है ना हम लोग, इसी कारण इसी पे हम लोग का हाथ पे पानी मिला था, ये जो घेरा वाला पानी है ना, इसी पानी मिला था, ये पानी मेरे हाथ में मिला था, और पानी हाथ में से लेकर छीन लिया, क्या नाम है आपका, रुपेश का नाम बताइए, रुपेश कुमार, रुपेश कुमार, आपको कोई व्यवस्था नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको व्यवस्था मिलनी चाहिए, यही कहना चाहते हैं सरकार से, हमसे व्यवस्था मिलना चाहिए,
क्या कि हम उसका वोटर है, है? देख लीजिए वोटर है और वोटर को अधिकार है कि इन्हें भी वो व्यवस्था, वो इन्हें भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो और लोगों को दिया जा रहा है।